नमस्कार, एबीएनएन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरआर पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर का प्रचार थम गया है। शनिवार को मतदान होना है। 15 सालों तक बिहार में सत्ता संभालने के बाद पूर्णिया में सुशासन बाबू कल के भावुक बयान आज चुनावी रणक्षेत्र और सत्ता के गलियारों में खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। अन्य दलों के पार्टी प्रवक्ता और नेता उनके बयान का अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। कोई कहता है कि नीतीश बाबू अब थक चुके हैं, तो कोई कहता है कि उन्हें अपने हार का आभास हो चुका है। ऐसे में नीतीश के इस कथन का कि उनका यह आखिरी चुनाव है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री एसपी त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी, नीतीश बाबू का कल का बयान जी, जो चुनावी सभा में इन्होंने कहा है कि हमारा ये आखिरी चुनाव है जी, तो क्या इनका ये अंतिम तीर माना जाए? नहीं, बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि ये बात बिहार की पब्लिक को पता था कि जो उनकी उम्र है वो ये आखिरी वाला ही है। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है जानना कि उन्होंने आखिरी दौर के चुनाव में क्यों कहा और कहा पूर्णिया में कहा। आखिरी के दौर का जो चुनाव होना है वो सीमांचल में होना है, पूर्णिया में होना है, और उसके बाद जो बाढ़ जो क्षेत्र है, बाहुल क्षेत्र है, इस एरिया में मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं, समझे आप? तो एक भावुक अपील इसलिए कि जो है, जो उनके पुराने वोट बैंक हैं, और चाहे वो मुस्लिम हो चाहे और भी लोग हैं, तो उसमें उनकी भावुक अपील को लोग उससे प्रभावित हों, ये सोच समझ करके उन्होंने बात कही जो चुनाव में कल आखिरी दिन, कि जो है ये जो 78 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें जो है वो कहीं उसमें मुस्लिम बाहुल ज्यादा क्षेत्र है, तो वो चीजें जो है उनको आखिरी दौर में, जब 15 साल तक उन्होंने शासन किया है और उसके बाद जो है केंद्र में मंत्री भी रहे जी जी, समझे आप? तो वो सब चीजों को उन्होंने सब समझ करके कहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये देश की जनता और प्रदेश की जनता, बिहार बहुत ही जागरूक प्रदेश है, बिहार की जनता जानती थी कि ये जो है चुनाव उनका आखिरी है और उन्होंने ये अंतिम तीर जो है उन्होंने फेंका है, ये बिल्कुल सही है। और इस समय बताएगा कि सटीक बैठा या नहीं बैठा, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि उन्होंने जो खेला है वो जुमलेबाजी नहीं है, बिल्कुल सही समय में कहा है, और जो भावुक अपील की है उससे बिहार की जनता बड़ी इमोशनल है और उससे प्रभावित होगी, मेरा तो है। आपके कहने का मतलब ये त्रूप का पत्ता, इसको समझा जाए बिल्कुल, या फिर ये समझा जाए कि ये चूंकि हर तरह से भेड़ियों से गिर गए हैं जी, महागठबंधन है उससे गिर गए हैं, और इनको लग रहा है कि अब अगर वैसे भी अगर ये अपील नहीं करते हैं तो उनके जाने का समय आ जाएगा। नहीं, आप देखिए ना, जो महागठबंधन के नेता तेजस्वी हैं और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी रहे हैं या और भी जो प्रचारक हैं रहे हैं, वो सभी ने क्या किया है कि सभी इन्होंने कहा कि थक चुके हैं, और आरएलएसपी के जो है उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं थक चुके हैं, सारे लोग कह चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि वो उन्होंने इस बात को कहा कि भाई जब 75 साल की उम्र हो जाएगी 5 साल के बाद, तो आखिर तो है ही उनका, हर आदमी एक ट्रेंड चल चुका है 75 साल के आदमी के को रिटायर कर लेना चाहिए राजनीति के क्षेत्र में, तो ये बात सब लोग जानते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो थकने वाली जो बात थी, जो कहा गया, जो तेजस्वी की तरफ से कहा गया कांग्रेस के थक चुके हैं 15 साल तक शासन कर चुके हैं, वो एक तरह से उसको वाश आउट करने की कोशिश की है नीतीश ने कि भैया हम थके नहीं है, हम रिटायर तो हो जाएंगे, लेकिन जो अंतिम समय में जो मुझे करना है, जो बाकी काम है, हम उसको करेंगे। बिहार में जो युवा नेता चुनाव लड़ रहे हैं जी, खास करके लालू के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जी, और पासवान साहब के जो बेटे हैं चिराग पासवान, ये चाचा और भतीजे का रिश्ता इनमें हुआ करता था जी, लेकिन आज वही भतीजा चाचा पे भारी पड़ रहे हैं जी, चाचा को बोल रहे हैं कि हम जैसे जीत गए तो हम चाचा को जेल पहुंचा देंगे जी, तो इन सबों को लेके क्या वो आहत है ऐसा लग रहा है जी? आप देखिए ना, चुनाव में सब चीजें चलती हैं, चुनाव में हर चीज जायज होती है, कहा नहीं तो चुनाव और प्रेम में सब चीजें जायज होती हैं। तो चुनाव में जब चुनाव चलता है और प्रचार जब होता है तो उसमें क्या चीजें ट्रेंड आएंगी, किस तरह से क्या विपक्षी और सत्ता पक्ष में के बीच में किस तरह से घमासान होगा और क्या चीजें चलेंगी, वो समय बताता है, वो स्ट्रेटजी के हिसाब से लोग बनाते हैं। तो जो अभी चाचा भतीजे का जो रिश्ता है वो ऐसा नहीं है कि मतलब जो ठीक है, लेकिन अब चूंकि उस समय तो विपक्ष में चुनाव में है, सत्ता पक्ष में है, और वो विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष की आरती थोड़ी, विपक्ष वाला सत्ता पक्ष की आरती थोड़ी उतारेगा, नीतीश बाबू की आरती थोड़ी उतारेगा, बताएगा कमियां तो बताएंगे। और जो रही बात वहां की, तेजस्वी ने जो बात कही और वो उस बात को उन्होंने अपने रणनीति में बनाया कि जो यूथ को उन्होंने टारगेट किया, उनको ये कोशिश की कि 15 साल में जो है इन्होंने जो किया है, अब ये थक चुके हैं, इनको रिटायर करने की कोशिश उन्होंने बताने की कोशिश, जनता को जागरूक करने की कोशिश की भैया कि अब इनका समय खत्म हो चुका है, इनको रिटायर करो, हम जवान है, जवान का समय है और हम ज्यादा काम इनसे करेंगे, ये बताने की कोशिश। 15 साल नीतीश बाबू ने
एक अच्छा शासन किया है जी। हालांकि बिहार की जनता मान रही है कि वो 10 साल तक ही शासन किया और ठीक से काम किया, 5 साल उनका बिल्कुल जनता के फेवर में नहीं रहा, यानी अपने मन से काम करते रहे और ये जो सारी स्थितियां हैं वो जनता को नागवार गुजरी है। तो क्या इसका भी असर इस बार नीतीश जी के इमेज पे पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो कि 15 साल शासन हो जाता है तो एंटी इनकमेंसी और की ट्रेंड आ जाता है, ऐसे बन जाता है। आप वही बगल में देखिए कि 15 साल तक लालू और राबड़ी का शासन रहा और नवीन बाबू का उड़ीसा में 20 साल तक शासन कर चुके हैं, तो अभी एक दिमाग में ये चीज रहती है पब्लिक में कि भाई अस्थायित्व तो होना चाहिए। बिहार एक बहुत ही जागरूक प्रदेश है, वहां की जनता चाय पर भी जो डिस्कस करती है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कशन होता है। तो बिहार की जनता में अब वो किस तरह से इस चुनाव में किस तरह से देखती है, लेकिन उसको ये पता है कि अभी एक्सपीरियंस लोग हैं, सबसे बड़ी बात है तेजस्वी की अभी एक्सपीरियंस नहीं है या जो उनके साथ हो सकते हैं, समझे आप, जो वो लोग किस तरह से रूप में लेंगे, किस तरह से अनुभव होगा। और फिर जो एक केंद्र और राजस्व का जो राज्य का जो एक रिश्ता डबल इंजन की जो बात की जा रही है वो लोगों ने कम्युनिकेट किया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, नीतीश ने भी कहा, सारी चीज में डबल इंजन का मामला है और प्रधानमंत्री ने जो अपने टारगेट किए सारे, उन्होंने जो अभी भावुक अपील की कल। तो सर एक तो सवाल उठता है ना जी कि आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार थी, जी मानता हूं इस बात को, डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र की जो यहां से अनुदान जाते रहे वो बिहार में जाते रहे और बिहार के सरकारी ईमानदारी से काम करती रही, चाहे वो रोड का मामला हो, सड़क का मामला हो, या एजुकेशन का मामला हो, या शराबबंदी का मामला हो, बहुत सारी चीजें हैं जो जनता से जोड़ के इन चीजों को लोग देखते रहे, एजुकेशन का मामला हो, इन सब सारी चीजों को देखा गया। लेकिन आज जो स्थितियां बन रही है, जो बनी है, वो यही माना जा रहा है कि नीतीश बाबू की छवि 5 सालों में ठीक नहीं रही है, इनमें एक एरोगेंसी आ गई है, एरोगेंट हो जाते थे, आपने फिलहाल मंच में भी देखा था अभी, नहीं आप लोग हमें वोट मत देना, आप लोग गिने चुने लोग हो, आप हमें वोट मत देना, सही बात है, क्योंकि उनको अपमानित करने की कोशिश हो रही थी। एरोगेंट देखिए, पब्लिक को तो पता है ना, जनता जानती है कि आप प्रभुता पाए की तो मत नहीं, कि भाई जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अहंकार तो की बात स्वाभाविक बात है, लेकिन सवाल यह है कि काम कौन से कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से उन्होंने काम किया बिहार को लेकर के, बिहार की स्थिति ऐसी है कि जैसे एक दिन में बेरोजगारी जितना काम करो उतना ही कम जी कम है, रोज हर साल बाढ़ आती है, तो जो डेवलपमेंट के काम हुए वो प्रभावित रहते हैं, लेकिन जो डबल इंजन का जो काम हुआ है, केंद्र की सरकार जब से आई है इन्वेस्टमेंट हुआ है, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और एक पढ़े लिखे हैं नीतीश जी, इंजीनियर रहे हैं, उनको पता है कि काफी कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जब रेल मंत्री थे तो मैं रेल कवर करता था उस समय, रेल मंत्री में सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट हुआ रेल मंत्रालय का तो बिहार में हुआ, उससे कायापलट हुई। तो उनको अब देखिए उत्तर बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ वो बहुत अच्छा काम हुआ, गाँव गाँव स्कूल बन गए, सड़कों को जोड़ दिया गया। तो अब रही बात जो बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, जो उसके बाद जो है सबसे ज्यादा गरीबी का जो मुद्दा है, गरीबी के में वे अभी बहुत सबसे ज्यादा पिछड़ा है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि जो बीमारू राज्य थे उसमें बिहार सबसे नंबर एक का था, उससे उसको ऊपर लाने की कोशिश की गई। तो 15 साल में उन्होंने काम किया है, ऐसी बात नहीं है, जिसे गिनाने के लिए तो उनके पास बहुत काम है। इसका मतलब कि आज का जो विपक्ष वहां पे, यानी महागठबंधन जिसे हम कह रहे हैं जी, जो नीतीश बाबू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कि हम बेहतर सुविधा देंगे, डबल इंजन की सरकार से हम बिहार में बेहतर सुविधा देंगे, बेहतर नौकरी देंगे और बेहतर अवसर देंगे, इसका मतलब ये छलावा है जनता को, चुनावी सिर्फ एजेंडा है माना जाए? जी पांडे जी, उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि जैसे मेरा जो असेसमेंट है कि इसमें जो है उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी ने जो कहा कि 9-10 लाख या 9 लाख हम जो करेंगे रोजगार देंगे लोगों को आते ही एक दिन में कर देंगे, और बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में उसने कहा कि हम 15 लाख देंगे। तो सबसे बड़ी बात ये जो रोजगार का जो मुद्दा था जो और उसमें तेजस्वी के जनसभाओं में यूथ का जो एक्साइटमेंट देखा गया है ना उससे, लेकिन हुआ क्या रिजल्ट, वो कन्वर्ट नहीं हो पाया पिछले 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं। अभी जो वहां की इलेक्शन कमीशन की जो सर्वे रिपोर्ट आई है, जो एनालिसिस हुई है, उसमें कि जो 18 से 19 जो पहली बार वोट डालता है वो 50% टर्न आउट नहीं हुआ, वो वोट नहीं पड़ा, पोलिंग नहीं हो पाई उसकी। 2 करोड़ वोटर हैं, अगर 1 करोड़ नहीं दिया तो उसका तो असर पड़ेगा। तो इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकलना है कि चुनाव के प्रति उदासीनता इसको माने यूथ में, जब आप देखिए आपने और हमने जब पहली बार वोट डाला तो कितना एक्साइटमेंट होता था, हम लोग इंतजार करते थे। तो ऐसा नहीं है, यूथ में जो 18 साल 19 साल के बच्चे हैं उनको एक्साइटमेंट तो रहता है, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है इस एनालिसिस से
कि जो है उसमें जोश नहीं आया, या हो सकता है तेजस्वी ने जिस तरह की बात कही है वो यूथ में उसमें जो है उसमें उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। कोरोना में लाखों का पलायन हुआ है बिहार में जी, जो श्रमिक हैं वो लाखों का पलायन हुआ, और नीतीश बाबू का वहां भी जिस तरह से व्यवहार रहा लोग इसको एक कारण मानते रहे कि ये चुनाव का मुद्दा बन रहा है जी, जी। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि युवा का कन्वर्जन नहीं हो पाया है तेजस्वी की तरफ में जी, तो क्या माना जाए कि वो बीजेपी को जा रहा है या फिर नीतीश बाबू को जा रहा है? देखिए देखिए वही मैंने कहा ना कि पब्लिक को भरोसा करना है, वहाँ की उत्तर प्रदेश बिहार के पब्लिक को भरोसा, पब्लिक को भरोसा नीतीश बाबू पर, बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर उसको करना है, वो करेगी या इन लोगों पर करेगी जो अभी इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और ये बीजेपी ने और नीतीश बाबू ने, चूंकि हालांकि आपने देखा कि तेजस्वी ने अपने बैनर पर लालू और राबड़ी का फोटो नहीं लगाया, और ये भी बड़ा भारी मुद्दा बना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात इस चुनाव में रही कि बुनियादी मुद्दों पर लड़ा गया चुनाव, उसको पोलराइज करने की कोशिश नहीं की, हिंदू मुसलमान की बात नहीं की गई, पाकिस्तान की बात नहीं की गई। आपने देखा अमित शाह गृहमंत्री नहीं गए वो चुनाव में, वही प्रधानमंत्री का जाना और गृहमंत्री का न जाना। तो ये कोशिश ये कही कि विकास के मुद्दों पर लड़ा जाए, विकास और भ्रष्टाचार तो टारगेट किया गया भ्रष्टाचार पे भी, उनको याद दिलाया गया कि 15 साल में जो नए जनरेशन के बच्चे थे जो पहली बार वोट डालने आ जाते हैं, जिसकी 30 साल से कम उम्र है, वो लोगों को याद दिलाया गया कि भैया तुमको अपने अपने चाचा से पूछ लो, अपने बाप से पूछ लो कि जो लालू और राबड़ी का राज था उसमें कितना भ्रष्टाचार था, नौकरी लेने के लिए लोगों को घर लिखवा लिए गए, खेत लिखवा लिए गए, उसी चीज उसको उछाली गई। तो अब ये बात है पब्लिक को बताई गई, अब पब्लिक को डिसीजन लेना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी बिहार में जो चुनाव है वो बहुत ही जागरूक वर्ग के लिए है, बहुत जरूरी है कि जात पात सब चीजें हैं वहां, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा जात पात का भी, लेकिन इस बार चुनाव में विकास ज्यादा प्रभावी रहेगा, मेरा ये मानना है। सुशांत सिंह जो फिल्म एक्टर थे जी, बिहार से उनका संबंध है, घर है उनका, और उनके संदिग्ध मौत को जिस तरह से भुनाने की कोशिश की गई वो लगा कि बिहार में एक अहम चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा जी, लेकिन आज वो मुद्दा कहीं टिकता हुआ नहीं नजर। आप देखिए ना, मैंने कहा आपसे कि बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प था इस बार, ये एक तो जैसे सुशांत वाला मामला, हम लोग भी ये सोच रहे थे कि जो बिहार का मामला है यूथ जो है आकर्षित होगा, लेकिन वो इशू वो नहीं आ पाया। किसानों का मुद्दा जो कि 3 बिल पास हुए भारत सरकार की तरफ से, आनंद फानंद में पास कराए गए, तो वो भी मुद्दा नहीं बन पाया। अब जो मुद्दा बना भ्रष्टाचार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, और प्रधानमंत्री ने जो कल अपील की उन्होंने पूरे भविष्य की बात बता दी कि हम करने वाले क्या है और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो ये सब चीजें बताई गई देश की बिहार की जनता को। अब बिहार की जनता को डिसीजन लेना है। प्रधानमंत्री का तो टेंड ही अलग होता है जी, अब चुनाव बिहार में कर दिया जी, लेकिन कल बिहार में चुनाव है जी, और चुनाव के बाद फिर आज मतलब कल वो दिल्ली में फिर कल करने जा रहे हैं जी, तो उसका सीधा मैसेज तो एक तो जाएगा ही जाएगा बिहार में चुनाव। प्रधानमंत्री जी की स्टाइल है उस पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो चुनाव के आखिरी दिन केदारनाथ चले गए, तो सारा फोकस जो है अब चुनाव में, इलेक्शन कमीशन रोक नहीं सकता ना भाई, प्रधानमंत्री को नहीं रोक सकता। अब उसके बाद जो है प्रचार बंद हो गया, लेकिन जाएगी बात जा रही है प्रधानमंत्री की, लोगों का ध्यान जा रहा है, उसी तरह से कल IIT में प्रोग्राम है, कल चुनाव होना है, तो प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वहां भी सुनाई देगा, क्योंकि आजकल तो सारी मीडिया जो है वो आजकल हर आदमी मोबाइल पर सब चीजें सुन लेता है। अच्छा, जातीय समीकरण पे एक बार हम चर्चा करें बिहार में जी, तो जातीय समीकरण वहां पे इस बार ऐसे ब्राह्मण हो गया जी, इसके बाद फिर मुस्लिम हो गए, फिर इसके बाद कुर्मी हो गए, फिर भर दुसाद जितनी भी जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट, अपर जाट, लोअर वर्ग, इनका झुकाव आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मैं ये देख रहा हूं कि अगर जाति समीकरण पर देखा जाए तो भी ये जो है NDA की तरफ झुकता दिख रहा है, क्योंकि 70% वोटर जो है वो जो है सवर्ण है, सवर्ण, और वो जो है ट्रेडिशनल वोट बीजेपी का है, और कुछ वोट जो है यानी कि नेशनल एजेंडे पे उनका जी झुकाव है, और प्रधानमंत्री के जाने से ये चीजें बीजेपी के तरफ झुकाव उठा दे रहता है। 17% के अलावा 14% और 14.5% मुसलमानों का है और 14% वहां यादव का है। तो MOI समीकरण जो लालू पहले से करते रहे हैं वो चीजें वे 70 सीटें प्रभावित होती है। MOI समीकरण बिखरता हुआ दिख रहा है इस चुनाव में, मुझे लगता है कि वोट बिखर जाएगा, मुस्लिम वोट तो बिखर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। यादव तो इंटेक्ट है, यादव तो जाएगा RJD के पास, लेकिन मुसलमान जो है वो बिखर जाए, मतलब जो जैसे उसमें जो डेवलपमेंट है, जिसका घर बन गया मान लीजिए, जिसके यहाँ नौकरी लग गई, जिसके यहाँ चीजें सड़कें बन गई, महिलाएं भी उसमें आ जाएंगी, मुस्लिम महिलाएं भी आ जाएंगी, मुस्लिम महिलाएं भी शराब से प्रभावित तो होती ही थी ना,
तो वो चीजें जो है मतलब कोई भी महिलाओं को लिए, जैसे आप सोचिए टॉयलेट्स बनाए गए बहुत सारे, तो वो सब चीजें प्रभावित करेंगे मुझे ऐसा लगता है। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि अगर बिहार में नीतीश की सरकार न बनी तो फिर क्या समीकरण बन सकता है वहां पे? देखिए अब की बार कोशिश पूरी की गई कि जो पोस्ट इलेक्शन जो होता है, चुनाव के बाद जो स्ट्रेटजी बनती है, अगर मान लीजिए 4-5 सीटें 10 सीटें 20 सीटें को लेकर के सरकार दोनों एक महागठबंधन है और एक एनडीए की तरफ से है, तो ये कोशिश की गई कि जो लोग भाग सकते थे उनको अलग रखे, जैसे आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा वगैरह को किसी गठबंधन में जगह नहीं मिली, और बीजेपी में हम जो है उसमें मांझी जी को मिली लेकिन उनको 11 सीटें दी गई। 11 सीट अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कितनी सीटें उनको मिलेगी? तो कोशिश ये गई कि अगर कम ही 5 सीट 4-5 सीटें दो में हो सकता है उसमें थोड़ा सा चुनाव के बाद भी अगर स्थिति बनती है बीजेपी अलायंस को एनडीए को कम सीटें मिले तो 4-5-10 सीटों की कमी रहेगी, तो ये लोग पूरा करेंगे, कवर अप करेंगे, हम है बीआईपी है इस तरह से, वहां भी है सीपीआई है सीपीएम है कांग्रेस है। अब कांग्रेस का आपको याद होगा कि कांग्रेस की सीटें जो है वो कांग्रेस में चुनाव जब चली रहा था तो वहां पुलवामा वाला मामला आ गया, पुलवामा में क्या हुआ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम लोगों ने किया और अगर उसको छोड़ते नहीं तो चीजें बदल जाती, तो पुलवामा वाली घटना पर कांग्रेस ने उस समय जो बोला था उसको भुनाने की पूरी तरह से कोशिश हुई, तो ये पूरी चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो कांग्रेस का जिस तरह से चुनाव के दौरान ये चीजें हुई उसको मुझे ऐसा लगता है कि उसको हो सकता है नुकसान हो जाए। तो आरजेडी की जो सीटें हैं 70 के आसपास 60 से 70 सीटें जो है वो एमओआई का समीकरण होता है जिसमें वो डोमिनेंस करती हैं यादव और मुसलमान, तो वो सीटें मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें बहुत ज्यादा बिखराव नहीं आएगा। बहुत छोटा सवाल है और आप भी छोटे जवाब में दीजिएगा, बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि माइनस नीतीश बाबू, यानी नीतीश बाबू को पद से हटना पड़े और कोई दूसरा सीएम देखने को मिले? नहीं ऐसा क्योंकि देखिए ऐसा है कि बिहार में बीजेपी बिल्कुल साइलेंट है और अभी तक जो है पूरा चुनाव के दौरान ये पूरी कोशिश की गई कि उनके वो हमारे चेहरा है, नीतीश बाबू हमारे चेहरा है, और अगर मान लीजिए सीटें जो है एंटी इनकमेंसी का असर बीजेपी को नहीं पड़ने वाला है, सबसे ज्यादा उनको जेडीयू को जनता दल यूनाइटेड को पड़ने वाला है, अगर सीटें कम हो गई और बीजेपी की सीटें बढ़ गई तो नेचुरली बीजेपी का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, वो तो स्वाभाविक बात है। तो त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये था हमारा खास प्रोग्राम बिहार चुनाव। थैंक यू।